हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और धनु को भेजना है मुझे स्कूल, और मेरी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, पता नहीं क्या हो गया है। मैं उनके लिए यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ, और साथ में पतिदेव जी के लिए भी, उनको भी जाना है ऑफिस, तो उनके लिए भी यहाँ पे रोटी बना रही थी। सो गाइस, तो अभी मैं धनु को स्कूल जा रही छोड़ने, इनको जब छोड़ के आऊँगी, ये देखो दादी और बाबा दोनों आए, बाय कर दो, बाय कर दो, अपने पूजा पाठ में लगेंगे, वरना इनका लेट हो जाएगा इस वजह से। चलते हैं, पहले इनको छोड़ के आते हैं। पता नहीं इसको, अच्छा अभी फर्स्ट डे है ना, इसलिए मतलब सेकंड डे है ना, एक ही दिन अभी मैंने व्रत रखा है, इसलिए ऐसा लग रहा है एक दो दिन रख लूँगी तो आदत हो जाएगा, इसलिए बॉडी ऐसा लग रहा है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि नवरात्रि में सुबह सुबह भोले बाबा पे जल चढ़ाया जाता है 9 दिन? मतलब बहुत ज़्यादा हमारे बिहार साइड में ना ऐसे रहता है, बिल्कुल धूम धड़ाका से ऐसे सुबह सुबह जाना, बच्चों का एकदम सुबह 4 बजे उठ के और जाके भोले बाबा को जल चढ़ाना, कि सुबह के टाइम पे जाते हैं जल चढ़ाने वहाँ पे और भोले बाबा का भी आशीर्वाद लेते हैं इन नवरात्रि के दिनों में। सो गाइस, तो मैंने जल चढ़ा लिया भोले बाबा पे, और अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने, उसके बाद पतिदेव जी का नाश्ता बनाऊंगी, लंच बनाऊंगी, ऑफिस जाएंगे ना इस वजह से। एंड पतिदेव जी नहाने चले गए और मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ बैठ के मैंने पूजा किया, धूप बत्ती जो भी जलाना था जलाई, और अभी तो पंडित जी आएंगे, तब वो नवरात्रि की जो है वो पूजा करेंगे, करवाएंगे, जो पाठ है हमारे घर, पाठ 9 दिन चलेगा। और अब यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद उसके बाद जाऊँगी ना, तो पतिदेव जी के लिए और बाकी जो रोटी बना, क्योंकि मैं धनु का सिर्फ लंच बना के और उन्हें दे दी थी, उन्हें स्कूल छोड़ के आ गई थी, उसके बाद मैं आई वापस, तब जाके मैं बनाऊँगी रोटी और सब्जी, जो भी बनाना है वो बाद में बनाऊँगी, और पंडित जी के लिए भी खाना बनाना है। तो बस आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है आज ग्रीन डे है, बट मेरी ग्रीन वाली साड़ी मुझ तक नहीं पहुँच पाई थी, सो इसमें बॉर्डर ब्लाउज ये सब ग्रीन है, तो मैंने ये वाला ही पहन लिया साड़ी, कि चलो ठीक है ग्रीन तो है ना इसमें, और वैसे भी मैया जी को खुश होना होगा तो वैसे ही खुश हो जाएंगे, हमारे भाव से ही खुश हो जाएंगे। और मुझे देखिए, मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ ना, मैंने बिंदी नहीं लगाई है, और खाना वाना बना रही हूँ तब भी बिंदी नहीं लगाई है। बाद में मुझे ध्यान आया, रवीना ने बोला था बिंदी नहीं लगाई, फिर पतिदेव जी भी बोले बिंदी नहीं लगाई, तब मुझे ध्यान आया कि अच्छा अच्छा मैंने बिंदी नहीं लगाई, क्योंकि मुझे मम्मी के बॉक्सेस से लगाने थे थोड़ी सी बड़ी बिंदी। उसमें तो दही वो किया था, क्या किसे थे आज? मम्मी को भी कहीं जाना था पूजा के बाद किसी से मिलने, बट मतलब एंड टाइम पे वो बाद में मतलब कैंसिल हो गया कि नहीं जाएंगे, वरना हमने इसलिए सोचा हुआ था कि जल्दी जल्दी जो है पूजा पाठ खत्म करवा देंगे ताकि मम्मी जा सके, क्योंकि मम्मी ही बैठती हैं पूजा पे। जार कहाँ रखी हो? तेरे फ्रिज में। ऊपर ऊपर मामा छोड़ देगी। भैया सबको मजा लेते हैं रवीना है, और मैं पूरा घूम लिया सर का, बिंदी नहीं लगाई, फिर बिंदी मम्मी को उसमें था, मेरे पास का इधर उधर हुआ, या फिर छोटा है ये वाली बड़ी वाली बिंदी, तो ज़्यादा ही लग रहा है।
अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं करी हो ना इसलिए बिंदी ज्यादा खिल रहा है। ये मैं कभी नेल पॉलिश नहीं लगाती, कल लगा यार, कल ही से मेरा ये लग रहा है, दर्द हो रहा है, काटना पड़ेगा इसीलिए नहीं लगाती, नजर लग जाता है सुंदर सुंदर से नेल्स। देखो मम्मी इतने दिन से बढ़ा हुआ तो रोज लोग बोलते थे लगा लो लगा लो लगा लो, नहीं लगाती थी, कल लगाई और ये रात से सो उठी तो फिर दर्द हो रहा है इसलिए। चल पंडित जी आ गए हैं, अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब तक यहाँ तक भी अभी हमें यही पता था कि मम्मी को जाना है, तो मम्मी ने बोला कि दो मैं सब्जी कट कर देती हूँ पंडित जी के लिए बनाना है तो, और मैं यहाँ पे जो चद्दर वगैरह थी इन्हें मैं समेट रही थी, फोल्ड कर रही थी। एक्चुअली मैं बताऊँ पूजा है तो यहाँ पे माता के ही उसमें सोते हैं ताकि रात भर जोत देख सके, तो मम्मी पापा जो है वो अपना तपस्या कर रहे हैं। इस वाले रूम में एसी भी नहीं है, बिना एसी की जबकि मम्मी ऐसे नहीं रहती, फिर भी वो यहाँ बैठी हैं और यहीं पर वो मतलब कि अपना रात भर दिन भर जो भी है अपना परिश्रम कर रहे हैं वो लोग, भगवान की माता रानी की जो है सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे पानी गिरा हुआ था और यहाँ पे मैं इतनी तेज फिसली ना, ऐसा लगा मैं गिर जाऊंगी, मेरा पैर हाथ टूट जाएगा, और ऐसे ही गिरी थी जब मेरे हाथ टूटे थे। और गाइस पंडित जी के लिए बना रहे हैं केला की सब्जी, मम्मी ने बोला मसाला पिसा, हाँ सब्जी बना के रख देती हूँ ना, पूरी उस टाइम बनाऊंगी गरम गरम, पूजा बैठ जाएंगे तो लेट हो जाएगा। तो मम्मी क्या किए ना, जब कोई खाने आए तो उसकी तैयारी रखनी चाहिए, इंतजार ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। चलो अभी हम सब्जी बना देते हैं और आज ज़्यादा लेट पूजा नहीं होगा क्योंकि कल तो सारा तैयारी करने में पंडित जी को टाइम लगा था ना, आज इतना टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब डेली नहीं लगेगा, मतलब डेली नहीं लगेगा इतना टाइम, नहीं जितना कल लगा था लगेगा उस दिन, जिस दिन खत्म होने वाला है। हाँ और ऊपर से वो भी कीर्तन वाला दिन तो पूरा दिन ही लगेगा, ऐसा होगा। तो पंडित जी के लिए सब्जी बना लेते हैं, ढक्कन आ गया ढक्कन, अब देखो उसमें नीचे नहीं है, इसलिए था वो मसाला तो मिला नहीं, मम्मी के लिए मसाला पीस के रखो, मसाला नहीं पीसा होगा। अदरक होगा ना, अदरक जिससे थोड़ा सा फिर खराब हो जाएगा। हो गया हाँ, हाँ शॉर्ट में सबसे एक होगा ना, वीडियो बनाया थे रवीना खाली, अपन अब हमनी की तरह तैयार हुई हन, सजिहन धजिहन मौज करी हन। परसों क्या है, परसों कुछ नहीं, परसों तो कीर्तन है ना परसों, हाँ लेकिन वैसे ही कभी भी नहीं दूंगी अपनी को, ठीक है हमारी कुर्ता तो दे दो, हमारा कोहा तो लोग धोती हमारा भरने ना आवे, बताओ के कहा था बाबा जी, हमारा ये सब धोती कौन देना पहुंचबो ना करे और क्यों तो ओवन आई, हां और क्यों तो ओवन आई, हां दे बेटा। बायां पर रखा जाला, वो फोल्ड करके रखे हम तो गिरा के रखे, बायां पर। आप मेरे चेहरे की भी खुशी देखें ना, पापा जी को गमछी रख के मुझे, मतलब मुझे ये सब करके ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको सच बताऊं कि ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ों में जब मैं देखती हूँ ना पापा जी को तो मुझे बहुत खुशी होती है। और यही वो टाइम है जब मैंने मम्मी को आके बताया कि मम्मी नहीं जाना है जहाँ आपको जाना था, तो मम्मी वही बात कर रही थी, मैंने बोला जाओ आप बाहर जाकर बात कर लो, यहाँ पर नेटवर्क इशू है इस वाले रूम में तो यहाँ बात नहीं हो सकती, तो मम्मी को बाहर जाकर बात करना पड़ेगा, तो अपना बात कर लेंगे। और यहाँ पर फिर हम बैठ गए पूजा में और पूजा पाठ जो है हमारा शुरू हुआ। ब्लॉग को आप लोगों को अच्छा लगा एंजॉय कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एक जरूरी ब्लॉग है उसमें जरूरी बात करनी है, वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मानवा सही।
मार दिए पर जैसे आपको किसी का बदल का बोल तो मार दिए मैं मार दिया ना इनको समझाओ इनको बात करो इनको बताओ ओम देहितो भाग्यमारुग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि गतो देहि दुतो देहि दुर्गा जी को सिंदूर लगाओ और माथे में लगाओ ओम मां दैतो भाग्य मारुग्यम देह में परमं सुखम रूपम देह जयम देहि गतो देहि दुतो देहि हमरा बेटी होई तोहरा के भुलाई बुना दो हमरा बेटा होई तोहरा अब चीनी वाला ही सबको पिलाती हूँ हम के चाय पियोगे नहीं पीते हो या नहीं पीते हो ये बताओ चलो फिर ले लेना थोड़ा सा पीता हूँ लेकिन अभी मन नहीं है बट थोड़ा सा ले लेना हमारा बेटी हुई तुम्हारा के नंदा बनोगे मेरी बोलो मैं हूँ भाभी बोलती तो हूँ तो मैं नंदा हूँ तोहरे को बुलाएं ठीक बटे तोहरे के नेक दिन से एक बार में जला नहीं दूसरी बार में जल तुमने बोला जलेगा नहीं पता नहीं है मैं कामने सिंह हूँ कामने सिंह मुमकिन नहीं बोलने वाले नामुमकिन को मुमकिन का नाम है कामने सिंह ठीक है तो ज़्यादा हो गया ओवर हो गया गिर रहे थे ये भी ओवर हो गया भाई प्रसाद बनाना है ऐसे नहीं हंसना चाहिए ऐसे नहीं गिराना चाहिए सॉरी गिर गया बट क्या कर सकते गिर गया नहीं हाँ घी मंगलम पता नहीं कौन सा घी है और ये जाएगा इधर आइए उस दिन मैंने मैदा वाला कांड किया था घी ज़्यादा मुझे लगा घी ज़्यादा बटर ज़्यादा लगे इसमें घी ज़्यादा लग रहा है बट ठीक अब ठीक है पंडित जी बोले हैं तुम आधा कप चाय लाओगी अभी हम पियेंगे नहीं तो नहीं पियेंगे ठीक है हम आधा कप ही चाय लाएंगे थोड़ा घूम तो मैं इसमें चीनी उनी डाल के बना देंगे देखते हैं हलवा बनता क्या फर्स्ट टाइम गाइस फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं अब बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो बनने के बाद पता चलेगा चाय उबल गए वो कल छुड़ूंगी रही थी उससे तो फट जाता है वो वाला वाइट वाला गाइस मुझे लगा कि नहीं बन पाएगा ये क्या बन गया बट नहीं सही बन गया खैर ही रखना इतना मीठा दुर्गा माता खाएंगे इतना फूल भी तो रहे देखो ऐसे इतना मीठा खाएंगे दुर्गा माता तुम भी खा लेना सब खा लेंगे बहुत अच्छा लपसी बन गया ये तो लपसी देखा मैंने बोला खाने में कुछ भी बना सकती हूँ
अभी तो बोले थे नहीं बन पाएगी। मैं क्या करती हूँ, नहीं बन पाएगा, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन बिना सोचे समझे ना देखे ना पूछे मैंने ना किसी पूछे, बस ये लाके आटा ये ना आटा की तरह लो बना दो, बना दिया तो ये बन गया, बहुत अच्छे से बन, चिपक भी नहीं रहा, ये है ना, ये कमाल। चलो और बोल लिया मम्मी पापा मंदिर जी, ये मैं ठीक है, ये लिखी को दे देना। मैं चली मम्मी पापा पंडित जी को चाय पिलाने के लिए, तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 गाइस, थैंक यू सो मच इतने प्यार सपोर्ट के लिए।